हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ कवर करने वाले हैं रेफरेंस मेनू को, ठीक है। इससे पहले मैंने होम मेनू, इंसर्ट मेनू और पेज लेआउट को मैंने कवर कर दिया है। अब मैं कवर करने वाला हूँ रेफरेंस मेनू को। पेज लेआउट में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था, ठीक है, उसको आप उसके स्टेप मैंने क्लियर कर दिए हैं। आप उसको थोड़ा मैनेज कर देख लीजिएगा अच्छे से, उसके स्टेप मैंने क्लियर किए हैं। तो शुरू करते हैं आज रेफरेंस मेनू को। देखो यहाँ पे रेफरेंस मेनू समझना है तो हमें कुछ पेज चाहिए। तो हमने क्या किया, इंसर्ट मेनू पे जाएंगे, ब्लैंक पेज ले लेंगे। कुछ हमने ब्लैंक पेज लिया, देखो हमारे पास 8 पेज है लगभग, और हमें क्या करना है, फर्स्ट पेज को छोड़ देना है। सेकंड पेज पे गए, एक फार्मूला लिखना है इज इक्वल टू आर ए एन डी, और यहाँ पे डमी टेक्स्ट मंगाएंगे हम। जैसे हमने मंगा लिया 10 पैराग्राफ और दो दो लाइन का, उस एंटर किया। देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट आ गए, आप देख सकते हो इतने सारे। और अगर आप चाहते हो कि और टेक्स्ट मिले तो आप क्या करो, इज इक्वल टू करो, लिखो रैंक, एक फार्मूला है ये, आप लिख दो 10 लाइनें हो या लिखो 20 लाइनें, सब कर लाइने कितनी 6-6 लाइन, 10-20 पैराग्राफ 6 लाइन की। तो ये देखो आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट आ गया, आप देख सकते हो, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें सब पे यूज़ करना है, एक लेशन वगैरह यूज़ करना है। जैसे देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझना ही है तो हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, हमें टेबल ऑफ कंटेंट सेट करना है। हम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई बुक देखते हो तो बुक में इंडेक्स पेज होता है, जो फर्स्ट पेज होता है जिसपे इंडेक्सिंग में दिखाता है कि ये चैप्टर इस पेज पर, ये चैप्टर इस पेज पर, बस उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम टेबल कॉन्टेंट को हमने क्लिक किया, ओके करेंगे। देखो ये फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास मान लो ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, ऐसा मान सकते हो। फिर हमें समझाना है, यानी आपके पास जो चैप्टर होगा उसके अकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है। चैप्टर 1 लिख दिया और चैप्टर का नाम क्या है वो आप यहाँ लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया हैप्पी लाइफ, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा एड टेक्स्ट। देखो यहाँ 3 लेबल हैं, तीनों लेबल को समझ लेना। लेबल 1 मतलब जो मेन हेडिंग होती है, और लेबल 2 मतलब उस हेडिंग के अंदर जो हेडिंग होती है लेबल 2 कहते हैं, और तीसरा हेडिंग मतलब जो लेबल 2 के अंदर हेडिंग होती है उसको लेबल 3 कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबल 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो मान लो अब आपको इस पेज पे जाना है, सपोज दैट ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ रख दो चैप्टर नंबर 2 इज अ ह्यूमन बींग, चैप्टर का नाम है, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप क्या करो, एड टेक्स्ट लगा दो, लग गया। इसके बाद क्या करना, आप थर्ड पे चले जाओ, इसका भी चैप्टर अगर देना हो तो क्या करो, लिखो चैप्टर नंबर 3, यहाँ लिख दिया ह्यूमन रिसोर्सेस, ये चैप्टर का नाम है, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद लगा दो एड टेक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लग चुका है। अब सबसे टॉप पे हम पेज पे जाएंगे, जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा होगा अपडेट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करोगे ना, देखो आ गया, समझ में आया, यानी जो चैप्टर होंगे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसको कंट्रोल ई कर दो, सेंटर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बनाओगे अपना टेबल ऑफ कंटेंट। अब देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, अब इसे कंट्रोल बटन प्रेस करो और क्लिक करो तो आपको उसी पेज भेज देगा। जैसे ये बता रहा कि ये 2 नंबर पेज पे, 3-4 पे है, इस पर क्लिक करो आपको भेज देगा, समझ में आया। अब मान लो कुछ और चाहते हो कि सेट करना, आपने बना दिया चैप्टर नंबर नेक्स्ट बनाना है, तो क्या करो, यहाँ पे आपको एंटर करो, इसमें जाकर के आप एक चैप्टर और सेट कर दो, ठीक है। लिखा चैप्टर नंबर 4, यहाँ लिख दिया फॉर्मेट एंड फॉर्मल, ये चैप्टर का नाम है, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाओ एट टेक्स्ट 1, अब वापस चले जाओ सबसे ऊपर, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे अपडेट टेबल होगा, आप अप्लाई कर दो। इंटायर टेबल करोगे तो क्या होगा, चैप्टर नंबर 4 भी आ जाएगा, समझ में आया। देखो ये 6 नंबर पेज पे आप देखना चाहते हो, कंट्रोल बटन प्रेस करो और क्लिक करो इस पर, ठीक है। 2 क्लिक किया, आपको ये पहुंचा दिया यहाँ पे 6 नंबर पे, समझ में आया, ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इसे कहते हैं फुट नोट। फुट नोट का शॉर्टकट की होता है अल्ट कंट्रोल एफ। देखो ये आपके एग्जाम पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुट नोट का शॉर्टकट की, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जो री नंबर करता है, मतलब क्या, देखो फुट का मतलब होता है डाउन पोर्शन, किसी भी पेज का जो निचला हिस्सा होता है ना, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस पेज का। यहाँ पे कोई अगर मान लो कोई बुक लिख रहे हो, उसमें किसी अदर बुक से आपने रेफरेंस ले लिया, कोई कोट ले लिया, ठीक है, तो उसको आप चाहते हो अपने बुक में इस्तेमाल करना, तो उस चीज़ का आप बताते हो ना कि ये मैंने यहाँ से, ये मान लो सपोज दैट ये लाइन है,
कि आपने किसी अदर बुक से ले लिया, ठीक है, आप बताना चाहते हो कि ये लाइन मैंने इस बुक से लिया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो और एड फुट नोट करो। अब इसके बारे में आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, देखो यहाँ पे वन है, ये भी वन है, क्लियर ना। अब जो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। देखो कर्सर जब लेके जाते हैं, या विकीपीडिया आपने देखा होगा, वहाँ पर भी रेफरेंसेस बहुत सारे होते हैं अलग अलग रिसोर्सेज के। हम लिख सकते हैं, मान लो लिख दिया हमने ह्यूमन टैकल प्रॉब्लम बाय लाइक अमन, लाइक अमन, ठीक है, ये एक बुक राइटर है, हमने इनका नाम लिख दिया, समझ आया। अब देखो ध्यान से क्या होगा, अब जब सिर्फ कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है ना, इनके इनके द्वारा लिखा गया। और मान लो कुछ और भी बुक आपने लिखा है, जैसे ये रेफरेंस हमने किसी अदर बुक से लिया है, सेलेक्ट करो, एड नोट करो, देखो यहाँ नंबर टू आ जाएगा ना, ठीक है। क्या हुआ एक बार फिर समझो, ये आपके पास है कोड, आपने कंट्रोल बी कर लिया, हाईलाइट कर दिया, और आप एड फुट नोट करो, आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। आपने लिख दिया, आपने लर्निंग ऑफ पीपल, ये बुक का नाम है, बाय कोच, ये लिख दिया उत्कर्ष वर्मा, उत्कर्ष वर्मा, ठीक है, इनका नाम लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो ध्यान से यही चीज क्या होगा, फुटनोट लग गया, और क्या करना हमें, अब अगर आपको शो नोट करना है क्लिक करो, आपको दिखा देगा कहाँ पे फुटनोट है, ठीक है ना, ये क्लियर हो जाता है कि कैसे हम फुटनोट इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज, जैसे क्या, अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो हम चाहते हैं कि इसका ये जो सेंटेंस इतना ये वाला, इसका पूरा डिक्लेरेशन हम लास्ट पेज में करना चाहते हैं बुक के एंडिंग में, तो यहाँ देखो अभी हम किस पेज में, 6 नंबर पेज है, ठीक है, और हम यूज करेंगे, और हाँ फुट नोट का इस्तेमाल होता है नंबर वन सॉरी न्यूमेरिक में, और इंड नोट का इस्तेमाल होता है नंबर में सॉरी अल्फाबेट में, और ऑल्ट कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंड नोट लगाओ, जैसे क्लिक करोगे ना आपको पेज के पूरे लास्ट मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 12 नंबर पेज भी दिया, यानी टोटल इस पे 12 पेज थे, तो उसके बारे में पूरा डिक्लेरेशन यहाँ पे कुछ दे सकते हो, ठीक है, समझ में आया। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हार्ड मीनिंग हो गया, चैप्टर का हार्ड मीनिंग होता है ना, कुछ रेफरेंसेस देना चाहते हो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देना चाहते हो, तो यहाँ पे उसके बारे में दे सकते हो, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो आप इस पेज पे आगे फर्स्ट पेज पे आप देखना चाहते हो शो नोट्स, क्लिक करो, तो यहाँ पूछता है कि क्या देखना चाहते हो, फुट नोट या इंड नोट, तो आपने क्लिक किया फुट नोट, ओके करो, तो आपको फुट नोट भेजेगा। शो नोट पे क्लिक करो, आप देखना चाहते हो कुछ और क्या, इंड नोट, क्लिक करो, ओके, ये दिखा देगा यहाँ पर ये यूज है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी टॉपिक क्लियर हो गया फुट नोट वाला, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक क्या है, इंसर्ट साइटेशन। जो इंसर्ट साइटेशन होता है, इसमें क्या करना है, किसी जो भी बंदा बुक लिख रहा है ना, तो उसके बारे में पूरा पूरा डिटेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक ब्लैंक पेज मंगा लिया, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, उनके बारे में डिटेल दे दो जो ये बुक लिख रहे हैं, तो साइटेशन में क्लिक करेंगे हम, या देखो इसमें एक और तरीका मैं बता दूं, आप जरूरी नहीं कि बुक ही लिखो, इस पे और भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मूवी बना रहे हो तो मूवी का पूरा डिटेल, उसका आर्टिकल, कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल का पूरा पूरा डिटेल, कितने पेज का है, जनरल नेम क्या है, और रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो रिपोर्ट की कौन सा रिपोर्ट का टाइप क्या है, उसको छापने वाला कौन है, ठीक है ना। और कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसका रिपोर्ट पेज का नाम क्या है, ईयर मंथ डे एक्सेस कब होगा, ठीक है, मंथ ईयर, और यूआरएल भी ऐड करना, ये सब चीजें हम यहाँ पे बनाते हैं। मान लो आर्ट है, आर्ट गैलरी है, तो इसमें क्या होगा, आर्टिस्ट कौन है बनाने वाला, टाइटल क्या है, उसका थीम क्या है, इंस्टीट्यूशन कौन सा है, पब्लिकेशन टाइटल क्या है, सिटी क्या है, जो भी हम लिखते हैं ना यहाँ पे शो करता है नीचे, ठीक है। और इसके बाद देखो और भी बहुत चीजें हैं, सिमिसलेनियस अलग अलग विभिन्न टाइप का, ठीक है, और केस कोई लड़ रहा, ठीक है, तो उसका बनाना है, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे बहुत सी चीजें बनाई जाती है ना, अगर कोई कोर्ट फाइल कर रहा है उसका एक आर्टिकल बनाना चाहते हो तो आर्टिकल बना के सीडी में कन्वर्ट करके किसी को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ टाइटल है, केस नंबर कौन सा है, कोर्ट कौन सा था, जैसे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, देखो ईयर है, मंथ है, डे, ये सब चीजें पूरा पूरा बनाई जाती है यहाँ पे। तो फिलहाल हम बनाने जा रहे हैं क्या, बुक के बारे में, हमने क्लिक किया, हमने आर्थर दे दिया, मान लो यहाँ पे क्या दे दिया हमने, विनीत वर्मा, और यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया, इनका बुक है। देखो यहाँ पे बुक से मतलब हमें समझाना है ना, इसलिए हम कुछ ऐसा दे रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है वो तो डमी टैक्स है वैसे भी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। शुभ शुभ हॉलीडेज,
ईयर है इनका जो बुक है 2020 कर सकते हैं, जो भी बुक टाइप होगा। सिटी कौन सा है? ओग्रा, यहाँ पे ओग्रा 54। इसके बाद पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का नाम है जो जो जहां से इनकी प्रिंटिंग होगी, दे दिया पुष्पांजलि पब्लिकेशन। ठीक है, ये हो गया, ओके करो, ये बन चुका। अब ध्यान देना है, इस चीज को मुझे इंसर्ट कराना है, तो बिब्लियोग्राफी भी जाएंगे और ये देखा यहाँ लिखा बिब्लियोग्राफी, क्लिक करेंगे, ये आ गया मैटर। अब समझो ये लिखा है माइनस सोर्स क्या होता है, क्लिक करो। अगर आप चाहते हो कि एक कोई बुक लिख रहा है उसमें दो तीन लोग का नाम है, ठीक है, तो इनको क्या करो, जैसे यहाँ पे पहले से फ्रैंक कसरत के नाम से, ठीक है, इनका बुक है इस्लाफ ह्यूमन, तो इस चीज को भी यहाँ पे मंगा सकते हो, ठीक है, दो दो लोग बना सकते हो। जैसे आपने नोटिस किया होगा जब कोई फिजिक्स वगैरह का बुक देखते हो, साइंस का, तो उसमें दो दो तीन तीन टाइटल लिखे होते हैं ना, तो वैसे ही कोशिश में कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हमें एक चाहिए, हमने इसको हटा देना। यहाँ देखो स्टाइल होता है इसका, जो मैटर है वो किस फॉर्मेट दिखाना चाहते हो, देखो ये अलग 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 एडिशन होगा। यहाँ देखो 15 एडिशन के लिए क्या होगा, ठीक है, अगर कोई एडिशन अलग अलग लगा रहे हो, नेम शॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ देखो वर्मा विनीत, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। टाइटल शॉर्ट करना चाहते हो देखो टाइटल आ जाएगा, ठीक है ना, जो आपकी बुक का नाम है। तो ये सब स्टाइल है, ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हो। देख लो अलग अलग टाइप का स्टाइल जो सेट करना चाहते हो, तुर्किन स्टाइल है तुर्किन स्टाइल इस्तेमाल हो, ठीक है ना, तुरबियन स्टाइल, एमएलए फॉर्मेट लगाना है लगा दो, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मान लो अगर आप कोई काम कर रहे हो, काम करते वक्त आपको इमेज लगाना है, टेबल लगाना हो, तो उनके लिए भी इस्तेमाल करो इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन मतलब होता है टाइटल लगाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और पिक्चर पे गए। हम पिक्चर पे जाने के बाद यहाँ पे हम कुछ फोटोज मंगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फोटो वैसे इसमें देखते हैं फोटो है, तो मान लो ये लगा दिया, ठीक है ना, इंसर्ट किया, ये फिगर आ गया। आप चाहते हो कि इस फिगर का नाम देना, ठीक है ना, तो यार इस पे फिगर पे क्लिक करो और रेफरेंस पे चले जाओ। रेफरेंस जब जाओगे तो यहाँ मिलेगा इंसर्ट कैप्शन, क्लिक करना। देखो यहाँ पे फिगर लिखा है ना, तो यहाँ तीन चीजें होंगी, एक होगा इक्वेशन, फिगर, फार्मूला, टेबल। फार्मूला हमने बनाया था पहले से, ठीक है। तो अगर आप कुछ जाना चाहते हो बनाना, फिगर की जगह पिक्चर लगाना चाहते हो, तो यहाँ लिख भी सकते हो। ये देखो लेबल है, लेबल पे क्लिक दो यहाँ पे पिक्चर नंबर 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ओके करो। देखो यहाँ पिक्चर आ गया बाय डिफॉल्ट, कितने हो गए, 5 हो गए, समझ में आया। और किस चीज़ का पिक्चर है, यहाँ पिक्चर का नाम लिख दो कैट, ठीक है, ओके करो। देखो ये पिक्चर का नाम आ गया ना, बहुत ही आसानी से। इसके बाद आप चाहते हो कि एक और पिक्चर लगाएं, तो यहाँ पे क्लिक करो और एक और पिक्चर लगा दो, यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे लगा दिया हमने, ओके, इसको कर दो स्मॉल, जो जिसका साइज रखना चाहते हो। और आप रेफरेंस पे जाओ, यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया हमने और इस पे लिख दो बर्ड, ओके, यहाँ पर ओके कर दो। देखो ये भी आ गया। अब समझो क्या करना है हमें, हम वापस जाएंगे अपने इंडेक्स पेज पे। हम चाहते हैं कि अगर कोई रिपोर्ट बनाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को हमें इंसर्ट भी करना है एक पेज पर, तो इसका टेबल फिगर क्लिक करो, टेबल फिगर पे, और यहाँ पे उसका फॉर्मेट चाहते हो जो बीच में डैशेस वगैरह है ना, तो कुछ अलग तरीके से चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लो, ओके करो। देखो यहाँ आ गया, समझ में आया। यानी क्या, ये वाला, ये नॉर्मल टेक्स्ट जैसा है, आप इस पे कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करोगे ना, तो आपको उस पेज पे लेके जंप कर देगा। देखो समझ में आया, इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो आपने यहाँ पर कुछ और यूज किया, फार्मूला वगैरह यूज कर लिया, या जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर है, एक सपोज लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं ना, ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, एक हमें कैप्शन लगाना है फार्मूला, तो हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम यूज करते हैं फार्मूला, ठीक है, और किस चीज का फार्मूला है, आपने देखा मैथ वगैरह का, ठीक है, ओके करो। तो ये फार्मूला नंबर बना गया ना, इस तरीके से अगर आप चाहते हो इसको अपडेट करना, यहाँ पे क्लिक करो और इंसर्ट टेबल फिगर पे जाओ, ओके करो, देखो आ गया, समझ में आया। इस तरीके से हम अपना काम करते हैं, टेबल फिगर मंगाना हो या आप टेबल इस्तेमाल कर रहे हो तो टेबल भी मंगा सकते हो। अगर मान लो अपने सीट में बहुत सारा आपने इसमें काम किया है, इसमें आपने टेबल इस्तेमाल किया है, जिससे क्या, इंसर्ट पे गए, टेबल में अपना काम किया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड वगैरह सेव सेट किया, यहाँ लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ लिख दिया स्टूडेंट नेम, और यहाँ लिख दिया मोबाइल नंबर। इस चीज़ का रिकॉर्ड दिखाना चाहते हो कि किस चीज़ का रिकॉर्ड है, तो आप क्या करो, इस पर क्लिक करो, इस क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट रेफरेंस पे जाओ, क्लिक कर दो। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, टेबल, यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है ना, किस चीज़ का टेबल है, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है ना, स्टूडेंट रिकॉर्ड। जब हमारे पास एक चीज़ समझ लेना, जब हमारे पास मैटर होता है ना बहुत,
यानी रिकॉर्ड हो सकता है 200-300 पेज का हो सकता है, उस केस में कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डिक्लेयर करके रख सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से कोई भी उसको एक्सेस कर पाए, समझ आया। तो ये तरीका होगा हमारा काम करने का। अब इसको ओके करो। अब देखो यहाँ टेबल नंबर बना गया ना, तो अब क्या करो, इसको यहाँ पर जाओ, यहाँ पर इंसर्ट टेबल फिगर करो, ओके करो, आ गया। तो इस तरीके से ये देखो जिस पेज पे रहेगा वो दिखा देगा, हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। कंट्रोल प्रेस करो, क्लिक करो, कंट्रोल बटन प्रेस किया, क्लिक करो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जम कर जाएगा। सपोज दैट एक और टेबल इस्तेमाल आपने कर लिया, मान लो टेबल यहाँ, एक मिनट, इस पर कर लिया आपने इस्तेमाल ना, यहाँ पर। अब देखा तो मैं इंसर्ट पे गया, मैं टेबल ले लिया, इसमें हमने लिख दिया क्या, हमने लिखा एड्रेस, स्टूडेंट नेम, यहाँ लिखा एड्रेस, ईमेल, ठीक है। अब देखो इसी को हमें क्या करना है, आधार नंबर, आप समझना है इसको अच्छे से, क्लिक करो और आप पेज लेआउट पे गए। जब भी काम करना तो ऊपर से नीचे की ओर जाना, तब ये काम करने में और आसान करने वरना वरना प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, हमेशा ऊपर से नीचे आ जाओ, ठीक है। लिख दिया स्टूडेंट डिटेल वन, ओके करो। देखो यहाँ पे ये हो गया। अब वापस जाओ ऊपर, यानी फर्स्ट पेज पे गए, इस पर क्लिक किया, अपडेट कर दो बस एंटायर टेबल, ओके, समझ में आया। ये बहुत ही आसान हो जाता है हमारा काम करना। कंट्रोल प्रेस करो, अब उस पेज पे जा सकते हो, समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से ये कैप्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, मार्क एंट्री करना। अब देखो मार्क एंट्री मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड जो होते हैं रिपीट, कितनी बार हमारे शीट में सॉरी हमारे डॉक्यूमेंट में रिपीट है, जैसा कि एमएस वर्ड के पेज को बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट पे कितनी, जैसे मान लो ये गैलरी वर्ड है, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, इसको सेलेक्ट करो, मार्क एंट्री पे जाओ और जहाँ जहाँ भी है ना मार्क ऑल कर दो, ठीक है, बोल्ड कर दो और क्लोज करो। मान लो ये टेबल वर्ड है, कितनी बार रिपीट है देखना चाहते हो, मार्क एंट्री पे गए और मार्क ऑल कर लो, बोल्ड कर दिया, क्लोज करो। देखिए दो वर्ड हो गया ना, अब ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको अलग अलग टाइप का ना बहुत सारा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है शो एंड हाइड का ये सिंबल है, तो शो एंड हाइड का सिंबल हटाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप जाओगे होम बटन पे, यहाँ पे ऑप्शन होगा शो एंड हाइड का, हटा दो, ठीक है। अब क्या करो, रेफरेंस से जाकर के इंसर्ट इंडेक्स करो और क्या करना है, यहाँ पे राइट की अलाइन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ओके करो। जैसे ओके करोगे दिख रहा है, दिख जाएगा आपको, जो ये गैलरी वर्ड जो है ये 3-4-5 अलग अलग जितने भी पेज दिख रहे हैं आपको ना, ये हर एक पेज पे रिपीट है, समझ में आया। और एक और चीज समझो, मान लो कोई और वर्ड है जैसे बिल्डिंग वर्ड, ठीक है, सेलेक्ट किया बिल्डिंग ब्लॉक, मार्क एंट्री करो, मार्क ऑल कर लो, जहां जहां भी होंगे ये सेट हो जाएंगे। वापस चले जाओ, होम पे जाओ, शो एंड हाइड को हटा दो यहां से, इसको क्लिक किया, आपको करना क्या है, अपडेट करना है, सिंपल सा, देखो आ गया ना। इस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये कंप्लीट हो गया इंडेक्स। अब बात कर सकते हैं हम टेबल ऑफ अथॉरिटीज की। ये पूरा अल्फाबेट वाइज सीरीज दिखाता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई हेडिंग्स वगैरह हैं, हेडिंग मतलब लिख दिया हमने, हेडिंग बस अल्फाबेट वाइज दिखाता है, फिर भी यहाँ समझ लो इसे ये टू चेंज है ना, कंट्रोल बी कर लिया मैंने, इसको मार्क एंट्री पे गए आप, क्या करना आपको, मार्क ऑल कर लो, क्लोज किया और यहाँ पे क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको मार्क ऑल किया, जहाँ जहाँ भी मार्क करना मार्क कर लो, कुछ वर्ड्स यू कैन, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल बी, मार्क ऑल। ये दोनों एक ऐसे ही हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाएगा अल्फाबेट में। अब वापस जाएंगे, इसको हमें होम पे जाना है, सो एंड हाइड को हटा देना है। इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे रेफरेंस, इंसर्ट पे क्लिक किया, ओके करेंगे, अब ये देखो ये पूरा पूरा आ जाएगा, यानी ये क्या केसेस वाइज दिखाता है, यानी अल्फाबेट चलता है सही से, एक सीरीज से चलता है, ठीक है ना। तो ये तरीका बताता है कि ये इस पेज पर है अवेलेबल, और क्लिक करके देखो इस बार ये जो आपको दिख रहा है केसेस में सेट करना, अथॉरिटीज़ वगैरह, रूल्स वगैरह, ट्रीजरी वगैरह, रेगुलेशन वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न, अगर आप लगाना चाहते हो तो आप नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें होती हैं, ओके करो, ठीक है। तो ये यहाँ से हट जाएगा, समझ में आया। तो इसको आप इस तरीके समझ लेना है कि ये जो पैसिव यूज है इसको हटा दो, ओके करो, ओके।
तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, मतलब ये बताता है कि ये भी स्पेस पे रिपीटिव है, ये शॉर्ट फॉर्म में दिखेगा, ये लॉन्ग फॉर्मेट में दिखेगा। ओके, ये रहा वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है, यानी आपको जो कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो। और अगला सेशन जो होगा बहुत ही मज़ेदार सेशन होगा, वो है मेलिंग, ठीक है, जिससे हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हम कॉल लेटर बना लेते हैं बहुत ही ईजिली। अगर आपको 2000 या 2 लाख लोगों का कॉल लेटर बनाना है तो हम 2 ही पेज में उसको बना लेंगे, ठीक है।